चांस ही नहीं लिया सुबह से लेकर शाम तक। मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान को एक मौका दिया इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने ये कहा कि आप अपना टेस्ट मैच बचा लो, हम टेस्ट क्रिकेट बचा लो। कितने रन्स रह गए, कितने रन्स चेस करने, एंड में बात इस बात पे आ गई थी कितने मिनट रह गए, माफ कर दो हमें किसी तरह बैड लाइट हो जाए। पिंडी जैसी जगह के ऊपर मैं दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह किसी डर के उतरेंगे, डर के आगे मौत है, डर जो गया वो मर गया। आज जो है बंद कमरे में भी आएगी, मैदान में भी आएगी, गली में भी आएगी, आसमान पे भी आएगी, जूते पहन के भी। कभी बारिश में जब आप चीफ मिनिस्टर थे निकल जाते थे, आपको किसी ने, मुझे पता है आप तो सो जाते हैं जल्दी और आपको तो पता नहीं होता। इंग्लैंड टीम को लाए, नई इंग्लैंड टीम आई हुई थी, ऐसे लग रहा था कि हम लोग इंग्लैंड गए हुए हैं, वो हमें डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आके तीन सीरीज उनको, और वो साबित भी हुआ। पाकिस्तान खेला पहली इनिंग में 3.77 से, दूसरी में अभी 2.7 ऐसे अंडर 3 खेला है। और ये इनकी हमारे बैटर्स और जिस तरह वो शेकी बैटिंग करते रहे हैं, हम अजहर अली को 100 टेस्ट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, 96 टेस्ट। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्ली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। दोस्तों, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच कल उसका 5वां दिन था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान ये मैच हार गया। इंग्लैंड ये 75 रनों से यह मैच जीता, और जीतने के साथ साथ इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को भी बचा लिया, और पाकिस्तान की ऐसी डिफेंसिव अप्रोच ने पाकिस्तान को ही इनकी डिफेंसिव अप्रोच ले डूबी। रमेश राजा ने बहुत अच्छी पिच बनाई थी ना, ऐसा कह रहे थे लोग, ये देखो अच्छी पिच, ये डेड पिच होती है। इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार किस्म की क्रिकेट खेली और इंग्लैंड इस पर दोस्तों पाक मीडिया ने कहा और पाक मीडिया ने क्या किया और क्या कहा रमेश राजा और पाकिस्तान टीम को, आइए शुरू करते मजेदार वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। अफसोस हुआ, सद अफसोस कि पाकिस्तान ने आके चांस ही नहीं लिया सुबह से लेकर शाम तक। मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान को एक मौका दिया इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने ये कहा कि आप अपना टेस्ट मैच बचा लो, हम टेस्ट क्रिकेट बचा लेते, आप अपनी टीम में जगह बचा लो, हम अपने बॉलर को तोड़ देते हैं आपके लिए। लेकिन पाकिस्तान ने वो चांस अवेल नहीं किया। फर्क है माइंडसेट का। इस सिचुएशन में कभी पाकिस्तान होता क्या वो डिक्लेयर करता, कभी भी डिक्लेयर ना करता। इंग्लैंड, क्योंकि उनका कोच मकालम, ब्रैंडन मकालम, जिसने आदि साहब कहा था कि मैंने पाकिस्तान इंग्लैंड की क्रिकेट को चेंज करना, टेस्ट क्रिकेट को चेंज करना, उसने ये दिखाया कि हम राना बॉल खेलेंगे टेस्ट मैचेस में भी, और हम टेस्ट मैचेस में ड्रॉ की तरफ नहीं जाएंगे। जो रूट ने कहा कि मैं परवाह ही नहीं करता ये मैच, इस किस्म की बातें कर रहे थे कि यार कितने रन्स रह गए, कितने रन्स चेस करने, एंड में बात इस बात पे आ गई थी कितने मिनट रह गए, माफ कर दो हमें किसी तरह बैड लाइट हो जाए। पिंडी जैसी जगह के ऊपर मैं दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह किसी तरह बारिश ही आ जाए, कुछ आ जाए, किसी तरह हम बच जाएं, लेकिन नहीं हुआ। वैसे पिंडी के बारे में तो मशहूर है कि यहाँ की बारिशों का कोई भी एतबार नहीं है, तो बारिश हो भी सकती थी। देखो ये भी बहुत बड़ा चांस था, हमने तो इन चीज़ों को कंसिडर करके हम गेम खेलते हैं ना। फिर हमारे लोग बिल्कुल भी चलाक नहीं है, वहाँ की जितनी भी आसपास जो मस्जिद है उनके मौलवी साहब को चाहिए था कि वो पहले आके अजान देना शुरू कर दें मगरिब की नमाज की ना, तो वो फिर प्रेशर हो जाता अंपायर्स के ऊपर, कह रही है तो मगरिब का टाइम हो गया तो हम क्यों मैच खिला रहे हैं। आखिरकार हम हार ही गए दोस्तों। 5 दिन जो है कुट्टे खाई हैं, थप्पड़ खाते रहे, 5 दिन हमें वो मारते रहे मारते रहे, फिर भी मुंह आगे करते रहे कि और मारो और मारो, इससे बेहतर तुम और कुछ मार सकते हो। 5 दिन हम कुट खाते रहे, 5वें दिन आके हमने हार मान ही ली और हम हार गए। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि भाई जो कल उसने जो डिक्लेरेशन कर दी थी ना बेन स्टोक्स ने, जो वो जिस किस्म का डिसीजन था, उसके बाद से मेरे दोस्तों वो ही डिजर्व करते थे जीतना, क्योंकि इस किस्म की जो ब्रेवरी है ना वो देखने को मिलती नहीं है। और उसके अंदर भी मैंने ये बात की थी कि ये ब्रेवरी जो है ये लोग ही कर सकते हैं, हमारे बेचारे अगर इस तरह का कुछ कर लें और ऊपर से हार जाएं तो रिजल्ट आएंगे। अगर आप इस तरह की मेंटालिटी से जब आप डरपोक होंगे, डर के उतरेंगे, डर के आगे मौत है, डर जो गया वो मर गया। आज जो है बंद कमरे में भी आएगी, मैदान में भी आएगी, गली में भी आएगी, आसमान पे भी आएगी, रोड पे भी आएगी। तो जो डर गया इनको मौत पिंडी स्टेडियम में आई। रमीज राजा को यहां तो पिंडी वालों से कहता हूं लाए पकड़े और उसको पूरे ग्राउंड में भगाएं कि भाग अब इस पिच पे। तू जगनेद नो गेम रीडिंग, आगा सलमान इसको डोमेस्टिक खिलाएं, ये टेस्ट इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अजहर अली देखे आप,
और ऐसे उछल रहे जैसे डड्डू मेंढक उछलते हैं पानी में। रेड पिच पे सिद्धार्थ शाह जी कहेंगे लास्ट मैच फॉर अजहर अली क्वेश्चन मार्क ही वाज ओ नहीं भाई नहीं ये दमाद है सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। प्लीज आस्क टू बाबर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ रहे तो नहीं गया पता पूछना यार जरा जाके और कुछ पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा कौन आएगा आई डोंट नो वही आएगा सकलान हम आखिरी दिन तक मैच में रहे बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ वी फॉट वेरी वेल फॉट तो से नहीं आएगा हमने बड़ा अच्छा तगड़ा मुकाबला किया और ये वो सारी बातें होंगी। वो गर्दन से पकड़ के दाव पेच भी बड़े दिखाते हैं कैमरे के सामने जूते पहन के भी कभी बारिश में जब आप चीफ मिनिस्टर थे निकल जाते थे आपको किसी ने मुझे पता है आप तो सो जाते हैं जल्दी और आपको तो पता नहीं होता आपको किसी ने नहीं बताया कि जिस रमीज राजा की आप तारीफें कर रहे हैं उसने कब्रिस्तान बनाया था पिच का जहां पे इंग्लैंड ने आपको दफन किया आपकी क्रिकेट को हम सबको उस कब्रिस्तान में लिटा के ऊपर से दो तोड़ियां भी लगाई हैं। बेन स्टोक्स ने बिल्कुल ठीक कहा रिजवान हैदर साहब कल उसने आपको लॉलीपॉप देखे मैंने आपको बार बार एक बात की थी ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है तो उनको कोई फायदा नहीं था लेकिन वो इतने गधे इतने बेवकूफ नहीं है कि वो आपको जनाब रख के प्लेट में ये लो बेटा जीत के दिखाओ। रिजवान मैंने आपको कहा था कि ये सुबह और दोपहर में फास्ट बॉलर इतने नहीं लगाएंगे ये आखिर में जोर लगाएंगे ना इन्होंने कल फास्ट बॉलर लगाए ना जिन्होंने पहले सेशन में ज्यादा करवाया उसके बाद इन्होंने लगाया जोर और फिर आप देखे 10 या 11 रनों पे आपकी 5 विकेटें उन्होंने आपको। खैर मैं पहले प्राइम मिनिस्टर का बताऊं आप मुझे बताएं इंग्लैंड टीम ने करके दिखाया ना पहली इनिंग में भी रिकॉर्ड बनाया दूसरी इनिंग में भी रिकॉर्ड बना दिया इतने तेज रन बना दिए उन्होंने 35-36 ओवरों में 264 रन बना दिए 218 रन बना दिए एक सेशन में तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो क्रिकेट खेलने आए हुए हैं वो जीतने के लिए आए हुए हैं टाइम पास करने के लिए नहीं आए हुए हमारी तरह ये नहीं है कि एक जगह खड़े हैं बस बॉलिंग करते जा रहे हैं कोई प्लान नहीं है बैटिंग बस अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं ये नहीं है कि टीम को मुश्किल से निकाल दें थोड़ा सा मुश्किल में इंग्लैंड टीम को लाएं नहीं इंग्लैंड टीम आई हुई थी ऐसे लग रहा था कि हम लोग इंग्लैंड गए हुए हैं वो हमें डोमिनेट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में आके 3 सीरीज उनको फेंटा दी हो और अब वो ऐसी टीम है जहाँ ना उनके पास बॉलिंग थी ना बैटिंग थी प्लेयर उनका एक अनफिट हो गया हुआ था बॉलर चौथा 3 बॉलरों से बल्कि 2.5 बॉलरों से वो खेल रहे थे बॉलिंग की है ना बैटिंग तो की उन्होंने किया कि हमने रन बॉल खेलना है अगर पाकिस्तान को हमने हराना है तो अपनी पेस से हराएंगे और वो साबित भी हुआ पाकिस्तान खेला पहली इनिंग में 3.77 से दूसरी में अभी 2.7 ऐसे अंडर 3 रन खेला है और ये इनकी एवरेज यही पेस है वो इंग्लैंड ने चेंज किया है अगर ये और कोई टीम होती तो ये मैच तो ड्रॉ ही था क्योंकि पाकिस्तान ने एक मुझे बता दें एक ओवर ऐसे खेला हो कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम मैच जीतेंगे ये वो आपके ऊपर हमलावर थे और आप बच बच के कहीं से बच बच निकलना चाहते थे क्योंकि अगर इंग्लैंड को ये चौथी इनिंग में ये टोटल मिलता तो वो कभी ऐसे ना होता कि वो ड्रॉ की तरफ जाते वो भले ही 150 में आउट हो जाते वो कभी भी इसको ड्रॉ की तरफ ना लेके जाते तो एक टीम कह रही है कि मैं क्लियरिंग एंड राइट टाइम ऑफ गिविंग चैलेंज जिस वक्त बेन स्टोक्स ने डिक्लेयर किया था उसने ये कहा था कि बेन स्टोक्स कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे बट ही न्यू ही हैड दिस कॉन्फिडेंस और जिस तरह कॉन्फिडेंटली जो है फिर इंग्लिश बोलर्स ने बोलिंग की है और जिस तरह शेकी हमारे बैटर्स ने बैटिंग की है सीनियर हमारे बैटर्स और जिस तरह वो शेकी बैटिंग करते रहे हैं हम अजहर अली को 100 टेस्ट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं 96 टेस्ट गालिबन आज उनका और जिस तरीके से वो आउट हुए मोहम्मद रिजवान ही शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट मैच एंड शॉर्टर फॉर्मेट जिस तरह इररिस्पॉन्सिबिलिटी से वो आउट हुए मतलब कुछ कोई ऐसा लग रहा था कोई प्लान नहीं है कोई कुछ नहीं वी वर सो क्लोज पूरा जिस तरह हमें इंग्लैंड ने जो है वो प्लेट में रख के जो है वो मैच सामने दे दिया था और हम उसका कुछ नहीं कर सके सबसे मेजर डिफरेंस क्या रहा रन रेट दोनों इनिंग्स अगर आप इंग्लैंड की कंपेयर करें और पाकिस्तान की कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा होगा द मेजर डिफरेंस जिसकी वजह से जो है हम पीछे रहे वो इवेंचुअली ये था कि इंग्लैंड की पहली और दोस्तों इंग्लैंड ने रिस्क लिया और इंग्लैंड को उसमें रिवॉर्ड भी मिला इंग्लैंड ने बहुत ही आधे दिन में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था लेकिन पाकिस्तान मैच को ड्रॉ करवाने चला था लेकिन इंग्लैंड को मैच जीतना था कैसे भी करके और इंग्लैंड ने
दिखा दिए कि उनको क्यों बेसबॉल क्रिकेट कहा जाता है। और ब्रेंडन मैकलम के आने के बाद से इंग्लैंड में अलग ही जान आ चुकी है और इंग्लैंड की टीम जैसे क्रिकेट टेस्ट मैच में बेसबॉल की तरह ही खेलती है। और पाकिस्तान को ऐसा उन्होंने धोया कि बात ही मत कीजिए। और उन्होंने शानदार किस्म की बॉलिंग भी की, उनके सिर्फ 3 फास्ट बॉलर थे और एक उनका स्पिनर या 2 स्पिनर थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि अच्छा पोटेंशियल किस में होता है, अच्छी क्रिकेट किसकी होती है। पाकिस्तान को तो सिर्फ यह ड्रॉ करवाना था मैच, वो इसलिए ही खेल रहे थे, उनको मैच गम्मे कैसे भी करके ड्रॉ करना था और इंग्लैंड उनको मैच जीतना था, इसलिए तो उन्होंने 276 रनों पे ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और बता दिया कि डिफेंसिव अप्रोच कुछ नहीं होता, जीतना भी आना चाहिए। और पाकिस्तान की बैटिंग ही उन्हें ले डूबी और रमेश राजा की पिच भी साथ साथ में, जिस तरह की रमेश राजा और पीसीबी ने पिच बनाई थी उस पिच में भी पाकिस्तान ना तो मैच को ड्रॉ कर सकी या ना जीत सकी। और इंग्लैंड ने ऐसी पिच पर भी दिखा दिया कि रियल टेस्ट चैंपियन कौन है। और इंग्लैंड इसी तरह से जब से ब्रेंडन मैकलम आया तब से इंग्लैंड की टीम में के तेवर ही बदल चुके हैं और बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड बहुत ही लाजवाब और शानदार किस्म की टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है इसी समय तो। और पाकिस्तान को उनको ही उनकी डेड पिच या फिर जो भी बोले उनकी बैटिंग सब कुछ उन्हें ले डूबा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।